सो हे एवरीवन, स्वागत हो गया है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। सभी को जय श्री राम। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सभी को पहले तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और अभी हम थोड़ी देर में जा रहे हैं बैराज, बैराज में कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल, तो वहीं चलते हैं बैराज में और आपको दिखाएंगे। पहले थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं और फिर चलेंगे बैराज। सो फाइनली मैं बैठा हुआ हूँ अभी बाहर की तरफ और टीवी देख रहा हूँ, और हमारा खाना भी आ चुका है। बस जल्दी से खाना खाते हैं, जल्दी से खाना खाते हैं फिर निकलते हैं बैराज के लिए कृष्ण जन्माष्टमी में। आपको सीधा वहीं मिलता हूँ मैं इसके बाद। सो फाइनली मेरा खाना भी ख़त्म हो चुका है। अब बस सब तैयार होते हैं मुहूर्त जब से, अब फिर तैयार होके चलते हैं। और ये तो तैयार भी होने लग गई है, खाना खुना इसने खाया अभी पता नहीं, और मैं भी तैयार होता हूँ जल्दी जल्दी, मम्मी भी तैयार होगी, अब फिर चलते हैं। सो फाइनली मैं हो चुका हूँ पूरी तरह से तैयार। मैंने ये ऑर्डर डाला हुआ है और वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जन्माष्टमी का है तो झांकी झुकी निकलेंगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस वही देखनी झांकी झुकी देखनी है और फिर थोड़ी देर में आने। चल भाई, कितना टाइम लगा रहे हैं निकाल कर? चलो बस जितना हो सकता है मैं उतना ही दिखा पाऊँगा, ज़्यादा नहीं, जितना जितना हो सकता है मैं उतना दिखा पाऊँगा। सो मम्मी अभी गई हुई है दवाई लेने के लिए, मैं अभी रुका हुआ दवाई की दुकान के बाहर। दवाई लेकर मम्मी जैसी आती है फिर चलते हैं, मैं दिख भी नहीं रहा हूँ अभी आपको, तो मैं दिखाता हूँ आपको मम्मी कहाँ पर है। पहले देखो वो आ रही है मम्मी, और ये रोड क्रॉस करती हुई, और बस चलते हैं अब। जय जी भाई, चलो फिर चलो। अभी मैं आ रहा था बैराज के साइड, और ये बच्ची है यहाँ पे भैया की भाभी लड़की, इसने मेरी चाबी रख ली अपने पास। चाबी दे दो, इधर आओ पहले, इधर आओ, इधर ये इसे चाबी दे रही। हेलो बोलो इसमें, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, भाग गई, भाग रही है। चलो फिर बाय, मैं जा रहा हूँ भाई, मम्मी बाहर चली गई है, मैं भी जा रहा हूँ, बस निकल गया। हैनवी अनवी बाय बोलो, बाय नहीं बोल रही थी, नाटक कर रही है लड़की, कहाँ कहाँ चल रही है। चलो अनवी बाय, अनवी बाय, आज मम्मी बाहर गई, आ जाओ। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, बस बहुत तेज गाने चल रहे हैं तो कुछ सुनाई नहीं देगा अभी। तो हनुमान जी की सुंदर एंट्री के बाद अब यहाँ पर वो जादू दिखा रहे हैं, थोड़ा सा मैजिक दिखा रहे हैं, और कितने ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं जैसे कि देख ही रहे हैं आप। और कॉपीराइट की वजह से मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो आप देखिए क्या जादू दिखा रहे हैं वो। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि अब एंट्री हो चुके हैं हमारे प्रभु महादेव की, और कितना ही सुंदर दृश्य है ये, तो आप देखिए महादेव की झांकी और इसका आनंद लीजिए। आ चुके हैं यहाँ पे शिव जी के गण और दूत, जो कि हैं भूत पिशाच, और क्या भयंकर एंट्री लग रही है इनकी, क्या बन रखे हैं, वाव।
और अब इनका स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम ये, और बहुत ही बढ़िया स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या भयंकर कर रहे हैं, पीछे पूरा मुड़ चुके हैं। फाइनली स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे महादेव की आरती, और आरती देखिए कि दूत और गण कैसे करते हैं महादेव की आरती। आप आरती का आनंद लीजिए। स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे करतब, और देखिए अब आग से कैसे खेलेंगे ये। देखिए आग से कैसे खेलना स्टार्ट हो रहा है, और वाह वाह वाह, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, और मजे लीजिए आप। अरंकल 1 2 3 4 क्या बात है, बंद
अब महादेव के बाद आ चुकी हैं झांकी माँ काली की, और देखिए किस तरीके से वो प्रस्तुति कर रही हैं। और आप भी आनंद लीजिए, आगे देखिए क्या क्या होता है, किस किस की और झांकी आएंगी। तो फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और लेट हो गया है, 12:30 बजने वाले हैं लगभग रात के। और क्योंकि वहाँ पे पूरी झांकियाँ देखी, उसके बाद आरती हुई वहाँ पे नीचे बंसल घाट पे, और उसके बाद हम गए वीरभद्र मंदिर, जो कि आपने देखा होगा वॉइस ओवर का मैंने सारा, बिकॉज इतने तेज गाने बज रहे थे कॉपीराइट का क्लेम आ सकता था, सो मैंने जितना भी कराया वॉइस ओवर करा हुआ है। और उसके बाद वीरभद्र मंदिर गए, वीरभद्र मंदिर में जैसे ही हम गए वहाँ पे आरती होने वाली थी, तो मैं आरती में शामिल हुआ, आरती हुई एंड दर्शन करे वीरभद्र महादेव के। क्या सुंदर सजा रखा था वो भी, और क्या मस्त झांकियाँ थी बंसल घाट में, मज़ा आ गया। सो बस इतना ही था इस व्लॉग में, सभी को फिर से हैप्पी जन्माष्टमी, और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आप नए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब करते हैं इस व्लॉग का एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।